हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले आयुष काउंसलिंग के सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज एंड कोर्स वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सेकंड राउंड की। एंड क्या सेकेंड राउंड में डायरेक्ट एलिजिबल हैं या फिर नहीं, क्या जिसने फर्स्ट राउंड में अलॉट कॉलेज हो गई क्या वो सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बीएमएस कोर्स की कि बीएमएस कोर्स की जो कट ऑफ है वो सेकंड राउंड में क्या रहने वाली है, तो जनरल कैटेगरी के बाद में कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से जिसके भी 525 नंबर हैं उसको आराम से सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगी, और एडिट कोटा से जनरल कैटेगरी वालों को 520 नंबर पर। एंड अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में जनरल कैटेगरी की सेकंड राउंड में कट ऑफ जो रहने वाली है वो रहने वाली है 585। ओके गाइस, तो इतनी कट ऑफ रहने वाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर की रहने वाली है 580। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर की रहने वाली है 584 नंबर। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की रहने वाली है 555। ओके गाइस, तो ये हमने बात कर ली जनरल कैटेगरी की सेकंड राउंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो आप ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की क्या रहने वाली है सेकंड राउंड में कट ऑफ। तो गाइस ये देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू की जो ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ रहने वाली है वो 580 नंबर पर आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में उसको सीट मिल जाए। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर की कट ऑफ रहने वाले 575, जिसके भी प्लस मार्क्स हैं उसको आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर में कॉलेज अलॉट हो जाएगी। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर की बात करें तो 578 प्लस। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो 540 प्लस। तो ये हैं ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ सेकेंड राउंड में। तो गाइस ये ओबीसी कैटेगरी की सेकेंड राउंड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है बीएमएस कोर्स की वो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से 410 प्लस मार्क्स, एंड एडिट कोटा से बात करें तो 405 प्लस, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू की बात करें तो 470 प्लस, और यदि हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर की तो 465 प्लस, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर की बात करें तो 475 प्लस। इतने जिसके नंबर है उसको आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर में सीट अलॉट हो जाएगी। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो 420 प्लस जिसके भी नंबर है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग मिल जाएगी। ओके गाइस, तो ये थी एससी कैटेगरी की कट ऑफ। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की कट ऑफ सेकंड राउंड में क्या रहने वाली है। तो ये एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से जो कट ऑफ रहने वाली है वो 410 प्लस, एंड एडिट कोटा से बात करें तो 395 प्लस, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू की बात करें तो 445 प्लस। इतने नंबर है तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू में मिल जाएगी सीट। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामनगर की बात करें तो 440 प्लस, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईए जयपुर की बात करें तो 450 प्लस, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो 410 प्लस। तो ये थी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो सेकंड राउंड में रहने वाली है। एंड बात करते हैं अब बीएचएमएस कोर्स की कि बीएचएमएस कोर्स में सेकंड राउंड में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो बीएचएमएस
कोर्स यानी कि होम्योपैथी, जिसमें जनरल कैटेगरी को ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से जो कट ऑफ रहने वाली है वो 485 प्लस, एंड एडिट कोटा से बात करें तो 486, एंड कोलकाता से बात सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता की बात करें तो 525 प्लस, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो 550 प्लस, एंड ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता 500 प्लस जिसके भी नंबर है उसको मिल जाएगा, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो 495 प्लस। ओके गाइस, तो ये जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ थी। अब देखते हैं एससी एसटी कैटेगरी की बीएचएमएस में क्या कट ऑफ रहने वाली है सेकेंड राउंड। तो एससी कैटेगरी ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से बात करें तो 375 प्लस इतनी कट ऑफ रहने वाली है, एडिट कोटा की बात करें तो 374 प्लस, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता में भी 374 प्लस इतने ही रहने वाले हैं। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो इसमें रहने वाली है 370 प्लस। एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा से 355, एंड एडिट कोटा से बात करें तो 360 प्लस, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता की बात करें तो 355 प्लस, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो 375 प्लस। तो इतने नंबर रहने वाली हैं सेकंड राउंड में कटो। तो हमने बीएमएस एंड बीएचएमएस कोर्स के बारे में बात कर ली कि सेकंड राउंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, एंड बात करते बीयूएमएस एंड बीएसएमएस के बारे में कि उनकी सेकंड राउंड में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी वाले की बात करते हैं बीयूएमएस एंड बीएसएमएस कोर्स के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करके जिसके भी 450 प्लस नंबर है उसको आराम से इन कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 400 प्लस, एससी कैटेगरी की बात करें तो 350 प्लस, एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो 300 प्लस। तो ये थी सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने आपको बताए। ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन लगभग लगभग इतनी ही कट ऑफ रही, लेकिन आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आराम से सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें एंड शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।